बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा आपके साथ जो लेक्चर है वो इस्लामियात का है, और आज का जो मेरा टॉपिक है आपके साथ वो है अफाई अहद। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके क्वेश्चन नंबर मैं 1, 2, 3 करवा चुकी हूँ, यानी कि 3 क्वेश्चन मैं इसके आपको करवा चुकी हूँ, और आज फ्राइडे का रोज़ है। तो इसके जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में आज आपको करवाऊंगी कि अकद के लफ्ज़ी मायने क्या हैं, अकद के लफ्ज़ी मायने क्या हैं। अकद के लफ्ज़ी मायने गिरा लगाने के हैं। इससे मुराद लेन देन और मामलात में अपने तहरीरी और ज़बानी वादों का ख्याल रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है, ये कम्प्लीट है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 देखें, हदीस मुबारक में दीनदारी की अलामत किसे करार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो अपने वादे और कौल करार का ख्याल नहीं रखता इसमें दीन नहीं है। इससे ज़ाहिर होता है कि वादे की पाबंदी दीनदारी की अलामत है, और वादे की खिलाफवर्जी करना दीन में कमज़ोरी की अलामत है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का निशान है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, और इसे अच्छे तरीके से राइट भी करना है, ठीक है, ताकि आपकी इमला की दुरुस्तगी हो जाए और आपको अच्छे तरीके से जहन नशीन हो जाए। इसके साथ साथ आपने इस पेज की रीडिंग भी करनी है, और रीडिंग के दौरान आपने इसके MCQs निकालने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन निकालने हैं, ताकि जब आपको MCQs आएँ तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसकी निशानदेही कर सकें, ठीक है। उम्मीद है कि आपको मेरी हर बात समझ आ रही होगी और आप अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, किसी भी किस्म का कोई मसला होता है तो आप मुझसे राबता कर सकते हैं।